अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अवर अनदर वीडियो। माय नेम इज सैयद अली हसन एंड यू आर वाचिंग सैयद अमांस ऑनलाइन कोचिंग। एंड टुडे इज अवर टॉपिक मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक के अंदर बुक में बताए गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जाबिर बिन हयान, सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट का नाम है वो है जाबिर बिन हयान, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 722 AD से लेके डेट ऑफ डेथ 817 AD। ठीक है, तो इन्होंने दो बुक्स लिखी जिनका नाम था अल-नबातात एंड अल-हैवान। अल-नबातात प्लांट से, मतलब जिसके बारे में प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, इन्होंने ये बुक प्लांट्स के ऊपर लिखी थी। और अल-हैवान जो है वो जोलॉजी, यानी कि जोलॉजी की बुक है और जो एनिमल्स के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, ठीक है जी। तो जाबिर बिन हयान ने दो बुक्स लिखी थी जिनको बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब्दुल मलिक असमाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 741 AD। ठीक है, इन्होंने चार बुक्स लिखी जिनका नाम था अल-खेल, अल-इबील, अल-बुहूज, अस-शा एंड खलाकुल इंसान। किसके बारे में बताया गया था, इन्होंने इन चारों बुक्स के अंदर स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी के पार्ट्स जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और बॉडी के जो पार्ट्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, हमारा हाथ किस तरह से मूव करता है, जो भी चीज़ है वो सब, यानी कि फंक्शन वगैरह हैं जानवरों के, इंसानों के, हॉर्सेस, कैमल, शीप और वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवरों के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि बॉडी के पार्ट्स जो है वो किस तरह से कौन से फंक्शन कर रही है, कोई क्या चीज़ कर रही है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने ये चार बुक्स लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, अली बिन रब्बान तबरीज, 775 से लेके इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, 870 AD। ठीक है जी, इन्होंने बुक लिखी फिरदौसुल हिक्मा। ठीक है, फिरदौसुल हिक्मा ने, इन्होंने इसके अंदर जूलॉजी के बारे में, मतलब डिटेल में, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे। ठीक है, फिलोसॉफी भी लिखे, साइकोलॉजी भी लिखे थे और एस्ट्रोनॉमी। साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जोलॉजी, ये सब बहुत सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि जोलॉजी में हम ज़्यादा से बात है एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो एनिमल्स हर तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, चाहे वो दो पाँव वाले हों या वो चार पाँव वाले हों। ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो लैंड हो, या चाहे वो फ्लाइंग एनिमल्स हो, जो भी जिस तरह के एनिमल्स हो, वट एवर दे आर, उनके बारे में हम जोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा साइकोलॉजी में हम इंसान की साइकी, मतलब नफ्सियात का जो शिकार लोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके अलावा ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, और एस्ट्रोनॉमी हम सितारों के बारे में पढ़ते हैं, सितारों के बारे में। ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज, नाम बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लिए। ठीक है जी, तो ये हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अल हैवान बुक्स लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने 350 तरह की स्पीशीज एनिमल्स की डिस्क्राइब की थी, मतलब जो 350 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पीशीज की, एनिमल्स की, जो आर्ट्स के अलग अलग तरह की होती हैं, उन्होंने उसके ऊपर किताब लिखी थी अल हैवान। मतलब इन्होंने इसके अंदर ये आर्टिकल एक तरीके से मौजूद किया था। ठीक है, लिखा था 350 करेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हैं उनका नाम है अल फाराबी और अब्दुल मलिक अब्दुल कासिम अल जहरावी। सो मच टिपिकल नेम। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं कि अल फाराबी की डेट ऑफ डेथ है 870 से लेके 950 AD। ठीक है, और अल जहरावी की है 936 से लेके 1004। ठीक है, मतलब सही एज थी इनकी। तो इन्होंने क्या किया, बोथ आर रिन्यूड हाकिम इन सर्जन। तो पहले के ज़माने में नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो डॉक्टर्स की जगह हकीम होते थे। ठीक है, हकीम होते थे, जो हकीम अपनी हकीम, मतलब नेचुरल चीज़ों से दवाई बनाते थे, नेचुरल प्लांट्स वगैरह से, चीज़ों से अपनी दवाइयाँ बनाते थे। ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाते थे, और ये हकीम भी थे, जो ये दोनों साइंटिस्ट अल फाराबी और अल जहरावी, दोनों साइंटिस्ट जो थे वो पहले हकीम और सर्जन थे। अब सर्जन भी कहा जाता था और हकीम भी, सर्जन इतना नॉर्मली अब कहा जाता है, पहले के ज़माने हकीम कहते थे। ठीक है, अल फाराबी इज द ऑथर ऑफ टू वेरी वेल नोन बुक्स नेम
किताबी नबातात इन किताब अल हैवानात, ठीक है। इन्होंने भी अपनी ये किताब लिखी थी, इसका नाम था किताबी नबातात इन किताब अल हैवानात। मतलब इन्होंने भी दो तरह की किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब प्लांट्स के बारे में थी जो कि किताब नबातात है, और किताब हैवानात जो है वो एनिमल्स के बारे में लिखी थी। एंड ज़हरावी वाज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, मतलब जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन हो जाता है ना, किसी भी मतलब पथरी हो जाती है, जिसको हम स्टोन हो जाता है, जिसको हम पथरी कहते हैं। ये जो हमारे मतलब ये जो ब्लैडर है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जो हो जाती है पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है वो हमारी। अब मतलब जैसे हम पानी अगर साफ नहीं पीते, गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कचरे वाला, तो उस कचरे की वजह से हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, ठीक है। तो ये वो निकालने में मतलब उसको रिमूवल करने में बहुत ज़्यादा फेमस मतलब मशहूर थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। इब्ने अल हैशम, इब्ने अल हैशम को तो नाम आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर चीज़ में सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ बायोलॉजी में भी इनका जिक्र हो गया, ठीक है। जी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 965 से लेके 1039, ठीक है, एडी तक इनकी डेट ऑफ डेथ थी, ठीक है। इन्होंने इन्होंने भी दो किताबें लिखी, जिसमें से किताब अल मनाजिर और मनाजिर मिजान अल हिकमा। इन्होंने विजन का फेनोमेना क्लियर किया, जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था, ग्रीक वालों का जो मतलब ग्रीक कॉन्सेप्ट, मतलब जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब विजन को कहते हैं, मतलब देखने का जो उन्होंने कोई विजन बताया था कि हम लोग देखते किस तरह से, उन्होंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दी थी, उन्होंने पूरा एक लॉ वगैरह बनाया था, तो उसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट जो था वो गलत था, ठीक है। तो इन्होंने इब्न हैशम ने इसका विजन का सही कॉन्सेप्ट आके बताया, ठीक है। और दो किताबें लिखी जिसमें था किताब अल मनाज़िर एंड मिज़ान अल हिकमा, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर बू अली उस्मान अली सीना। बू अली सीना की है डेट ऑफ बर्थ 980 AD, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स के मुताबिक किसी के अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, किसी में डेट ऑफ डेथ मेंशन है, ठीक है। तो ये वही लिखी हुई है, पर जिसकी डेट ऑफ डेथ नहीं है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने दो बुक्स लिखी, दो बुक्स कह रही हूँ, तीन बुक्स लिखी, जिसमें से एक है अल कानून फिल तिब अल शिफा, ठीक है। ये थ्री बुक्स थी जिसमें, सॉरी मैं यहाँ पर मेंशन कोमा मेंशन करना भूल गई, और ये कोमा भी आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने ये तीन बुक्स लिखी थी, ठीक है, जो अल कानून, अल फिल्तेबर, अल शिफा, ये तीनों प्लांट्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में मौजूद थी, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, एक्नॉलेज बाय द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिसिन इन ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब इन्होंने मेडिसन्स में, मेडिसन्स के फाउंडर इनके रहनों, मतलब मेडिसन्स बनाने का काम टोटल जो था वो इन्होंने शुरू किया, सबसे पहले मेडिसन इन्होंने ही बनाई, ठीक है, फाउंडर यही थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा अपनी मतलब फेम हासिल की, अपनी मेडिसिन की वजह से, अपने मेडिसिन बनाने की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपर्ट थे मेडिसिन बनाने में, जिसकी वजह से इनको ईस्ट और वेस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा फेम मिली, ठीक है। अब ज़ियाउद्दीन इब्ने बेतर की बात करते हैं, ये 13th century के बायोलॉजिस्ट थे, ये प्लांट्स के बारे में मतलब काफ़ी स्टडी कर चुके थे, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज प्लांट्स के बारे में स्टडी कर चुके थे, ठीक है। ही ट्रेवल टू सेवरल कंट्रीज, ऑब्जर्व एंड स्टडीड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट। इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करने के लिए ये डिफरेंट टू डिफरेंट कंट्रीज जो है ना ट्रेवल करते थे, ताकि ये जो है ना नए नए तरह की स्पीशीज देख सकें कि हर मुल्क में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। हर मुल्क में हर तरह की स्पीशी, प्लांट की हर तरह की स्पीशी मौजूद है, ठीक है। तो ये वो देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ट्रेवल करते थे, ताकि प्लांट्स को और अच्छी तरह से डिस्कस कर सकें, इसलिए ज़्यादा वो स्पेशलाइज थे स्टडी ऑफ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड लास्ट साइंटिस्ट की, इनका नाम है इब्ने अल नफीस। इब्ने अल नफीस भी 13th century के साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन किया था, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रही है, किस तरह होती है, उन्होंने ये पूरी डिफाइन की, ठीक है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि कौन कर सकता है, इन्होंने सबसे पहले डिफाइन की है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन आपको पता होगा, जाहिर सी बात है हमारा हार्ट करता है, हमारी हार्ट पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, और किस तरह करता है ये भी आप लोग इंशाल्लाह आगे वाले टॉपिक्स में पता चल जाएगा, ठीक है। कमालुद्दीन दमीरी ये 14th century के बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बुक लिखी हयातुल हैवान, डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 100 kinds ऑफ एनिमल्स। मतलब इन्होंने इस बुक के अंदर 1000 kinds ऑफ एनिमल्स, मतलब हजार तरह के इन्होंने नस्ल के जो जानवर थे उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके अंदर हयातुल हैवान, सॉरी प्रोनाउंसिएशन बहुत
हार्ड है इसकी, हयातल हैवान, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने अपने एनिमल्स के बारे में, मतलब हजार तरह की नस्ल के एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स को लिखा था, ठीक है। अली बिन ईसा, अली बिन ईसा वेल नोन साइट, वेल नोन आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट नजरने से बात है, आंख के माहिर जो है उनको आई स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अपने टाइम के बहुत ज्यादा वेल नोन और बहुत ज्यादा जाने माने आई स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। वर्क ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन डिजीज ऑफ द आई, मतलब यानी कि स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि उन्होंने हर चीज पर काम करा है, स्ट्रक्चर पे भी, उसके फंक्शन पे भी, उसके डिजीज पर भी, मतलब आंखों में, आंख के अंदर क्या क्या किस तरह की डिजीज हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा जाती है, उसके अलावा आईज के अलावा और भी आईज में दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब तो वो उन सब चीजों के बारे में, और आई हमारी किस तरह से फंक्शन करी, किस तरह से क्या चीज देख रही है, और आई का स्ट्रक्चर कैसा है, इन्होंने हर चीज के बारे में अली बिन ईसा ने वर्क किया। और ठीक है, ही रॉट 3 वॉल्यूम्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर तीन, यानी कि 3 बुक्स लिखी थी, इन विच ही डिस्क्राइब 130 डिजीज ऑफ द आई, मतलब इन्होंने 3 तरह के वॉल्यूम्स, यानी कि 3 तरह की बुक्स लिखी, या 3 तरह के वॉल्यूम्स, आप कुछ भी कह लो, बुक्स ही कहते हैं उनको भी, जिसमें ये आई के ऊपर ही थी, और इसमें इन 3 बुक्स के अंदर इन्होंने अपनी पूरी 130 डिजीजेस इन्होंने आई की डिस्कस की थी, ठीक है। तो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट इतने ही थे, जितने आपकी सिंटेक्स बुक के मुताबिक थे वो मैंने यहाँ सारे बता दिए हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।